आंटी का लार आ गया, बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, ये पॉइंट ए है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, मतलब वो पूरा नीचे तक गिर सकती है, उसके पास अभी इतनी पोटेंशियल है गिरने की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है जो ऊपर से नीचे गिराते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, एम जी एच प्लस ज़ीरो एम जी एच। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, मान लो एक्स किलोमीटर चल लिया इसने, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लो टोटल हाइट एच थी, हमने एच ही ली थी, तो पोटेंशियल मतलब कितना और चल सकती है, इतना चल सकती है। टोटल एच है, ये एक्स है, तो कितना हो गया एच माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच माइनस एक्स, मतलब एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ब्रैकेट खोला मल्टीप्लाई कर लिया। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी क्या है यार, वी को निकाल लो, इस पॉइंट पे वी कितना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच लगाओ। वी स्क्वायर हमको नहीं पता, यू स्क्वायर ज़ीरो है क्योंकि यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो थी। जी हमको नहीं पता, मतलब जी तो जी रहने दो, वैल्यू ना पुट करना। एच, एच मतलब कितना चली वो, एक्स डिस्टेंस चली है, तो हाफ इंटू एम, इंटू वी स्क्वायर की जगह टू जी एक्स लिख लो, तो एम जी एक्स हो गया। अब देखो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी निकाली, एम जी एक्स दोनों को प्लस किया, एम जी एच आ गया। ठीक है, मेरे साथ साथ करते जाओ। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये एक्स है, तो एम जी एच माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाली हाफ एम वी स्क्वायर करके, तो वो कितनी आई, फिर मैंने वी को पुट कर दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, यू की जगह हमने लिखा ज़ीरो, एच की जगह हमने लिखा एक्स क्योंकि एक्स डिस्टेंस ने कवर किया था। तो आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी एम जी एक्स, दोनों को प्लस कर लिया, आ गया एम जी एच। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी, यार इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पोटेंशियल मतलब कितना और जा सकते हैं, कितनी पोटेंशियल है, काइनेटिक मतलब कितना कवर किया, कवर किया हमने हाफ एम वी स्क्वायर। फिर वही बात है, वी स्क्वायर को लिख दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है, यहाँ से शुरू किया था हमने, तो यू तो ज़ीरो है, जी और एच पूरा है, तो वी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं टू जी एच, ये एम जी एच आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी लास्ट पॉइंट पे ज़ीरो है जब नीचे गिर गई, तो ज़ीरो प्लस एम जी एच, एम जी एच, तो हर पॉइंट पे एम जी एच आ रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया।